मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में सेमिनार का आयोजन। अमृतसर सिटी मेडिकल सोसाइटी के सभी डॉक्टर्स हुए शामिल। बेहतरीन सेवाएं देने के लिए सदैव तत्पर शूर हॉस्पिटल, कहा डॉक्टर सूरज शूर ने। खजाना गेट स्थित शूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चेयरमैन डॉक्टर जेपी शूर, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सूरज शूर व डायरेक्टर डॉक्टर गायत्री शूर की अध्यक्षता में सीएमई का आयोजन व कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया गया, जिसमें अमृतसर सिटी मेडिकल सोसाइटी के सभी डॉक्टर्स ने भाग लिया। इस मौके भाजपा पंजाब के उपाध्यक्ष डॉक्टर जगमोहन सिंह राजू विशेष रूप से उपस्थित हुए, तो वहीं डॉक्टर राघव वधवा, डॉक्टर इंदर मोहन, डॉक्टर जसकरण सिंह व डॉक्टर अभिषेक अरोड़ा और डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके अस्पताल में कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया गया। बातचीत में डॉक्टर सूरज शूर ने अस्पताल में अल्ट्रा मॉडर्न तकनीकों से किए जा रहे इलाज के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने सभी को कैंसर रोग के बारे में जानकारी देते हुए इस बीमारी का समय रहते इलाज करवाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी डॉक्टर्स ने डॉक्टर सूरज शूर को उनके द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर विशेष रूप से पहुंचे डॉक्टर जगमोहन सिंह राजू को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी अमृतसर सिटी मेडिकल सोसाइटी के सदस्यों ने इस सेमिनार को लाभदायक बताते हुए कहा कि इस तरह के सेमिनार आगे भी आयोजित होते रहने चाहिए, क्योंकि ये सभी डॉक्टर्स को उनके मार्गदर्शन के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। इस मौके डॉक्टर सूरज शूर व डॉक्टर गायत्री शूर ने आए हुए सभी गणमान्यों का आभार व्यक्त किया। मैं डॉक्टर सूरज शूर, एमडी शूर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खजाना गेट। आज असी एक सीएमई का आयोजन किया, जिस दे विच सिटी मेडिकल सोसाइटी के अराउंड 150 मेंबर शहर के साढ़े खजाना गेट एरिया के प्लस सिटी एरिया के प्लस है जोड़े साढ़े नाल कुछ पेरीफेरी एरियाज के कुछ डॉक्टर ने पार्टीसपेट किया। अराउंड 250 डॉक्टर साढ़े को सीएमई के आए हैं और उन्होंने असी अराउंड 4 स्पेशलिटीज के अलग अलग जो टॉपिक से जिद डॉक्टर राघव वधवा जे साडे न्यूरोसर्जन है उन्होंने न्यूरोसर्जरी के बारे हेड इंजरीज के बारे सारा डिटेल उन्होंने गाइड किया है। और जो भी कोई ट्रोमा होंगे या हेड इंजरी होंगी है और दसिया गया कि इंपोर्टेंट टाइम है हाफ आवर पहला आधा घंटा कि शहर के कितने भी किसी को ट्रोमा होंगे कि किन्नी देर उन्होंने हॉस्पिटल में जाना इंपोर्टेंट है, उसकी सर्वाइकल स्पाइन का ध्यान रखना कितना जरूरी है, उन्होंने किस तरह शिफ्ट करना चाहिए और टाइम की इंपोर्टेंस बारे दसिया कि किस तरह उन्होंने शिफ्ट करना करके उसकी लाइफ में बचाया जा सकता टाइम के नाल। फिर उस तो बाद जिन्नी भी ईएनटी दियां अमरजेंसीज है या लेटेस्ट ट्रेंड्स है सर्जरी से उसके बारे डॉक्टर जसकरण ने बड़े विस्तार ने दसिया और दसिया कि जी कुछ बीमारियों बारे उन्होंने दसिया दसिया कि बार बार किसी का नस फट जाती है नक् की वह असी पैकिंग छड़ के लेटेस्ट ट्रेंड्स है कि इस्पाल कि असी लाइगेशन कर दें आर्टरी की या मेन्स की ना उन्होंने लाइगेट कर दें जिद कि वो परमानेंट बाद ब्लीडिंग कभी नहीं होती। थर्ड ऑर्थोपेडिक ट्रोमा बारे डॉक्टर इंदर मोहन शर्मा ने चानन पाया और उन्होंने दसिया कि जॉइंट प्लेसमेंट जी आज की लेटेस्ट टेक्निक्स है रोबोटिक सर्जरी हैगी बारे दसिया और शूर हॉस्पिटल के जो असी कर रहे हैं रोबोटिक सर्जरी या जॉइंट प्लेसमेंट सर्जरी या कोई ट्रोमा सर्जरी उस बारे दसिया। इस अलावा कैंसर के उपर अभिषेक शर्मा कि कैंसर ब्रेस्ट कैंसर को असी लैके सीएमई कि ब्रेस्ट कैंसर अज के टाइम इन्ना ज़्यादा बढ़ गया कि तुम देखो कि वह जरा पंजाब के बहुत ज़्यादा मरीज ब्रेस्ट कैंसर के या दूसरे कैंसर के मिल रहे हैं और इंडिया के पंजाब और इंडिया केसिस काफ़ी बढ़ गया और जोड़ा पंजाब है पूरे स्टेट के 17वें नंबर पर आ गया कैंसर के वेरी बैड थिंग। और कई तरह के कारण इस दसे जाते हैं पोल्यूशन कारण है पानी कारण है सा खान पीन कारण है सैडेंटरी लाइफ स्टाइल कारण है सारा देख के कैंसर स्क्रीन